हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक्षा, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डन में। दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसके कई नाम हैं, जय, जूही, जैस्मिन, मोगरा, इसके जितने नाम हैं उतनी ही वैरायटियाँ हैं। जब हम नर्सरी से इसको खरीदने जाते हैं तो नर्सरी वाले पूछते हैं आपको सिंगल पैटर्न के चाहिए या फिर डबल पैटर्न के। दोस्तों, मोगरा चाहे किसी भी वैरायटी का हो, इसकी देखभाल सेम ही तरीके से होती है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है, इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और यह आपके आपके घर में हरियाली लाता है। यह आपके घर में ऑक्सीजन लेवल को भी बहुत ही बढ़ाता है। यह पौधा बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसके फूल के गजरे बनते हैं, इसके फूल के इत्र बनते हैं, रूम फ्रेशनर बनते हैं। या इसके पौधे को कॉस्मेटिक के रूप में हम हेयर ऑयल और क्रीम में भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस पौधे को अपने घर पर लाएं और उपयोग करें। दोस्तों, इसकी देखभाल बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी देखभाल करते हैं तो यह पौधा फूलों से लग जाएगा। दोस्तों, अभी ठंड हुई है तो यह पौधा हमारा डोरमेसी में चला गया था, अब गर्मी आ गई है तो आप अगर इसकी कटिंग कर देते हैं तो यह पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और फूल से लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पौधा बहुत ही पुराना हो गया है तो यह सर्दियों में भी देखिए खिल रहा था। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी देखभाल की। जब देखिए, यह पौधा सालों साल खिल रहा है। अगर आप इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करते हैं, अगर आपका पौधा ज़्यादा पुराना है, अगर आप इसकी देखभाल भी नहीं करते हैं ढंग से, तो यह पौधा ठीक ही ठाक रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं, पर ये ठीक ठाक फूल देंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके गमले की। दोस्तों, इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा सुटेबल गमला होता है 12 इंच का। आप देख सकते हैं मैंने 12 इंच के गमले इसको लगाया हुआ है। यह पौधा मेरा इसमें बहुत ही अच्छी तरह है। आप इसे किसी भी तरह से बेल की तरह लगा सकते हैं या पौधे की तरह लगा सकते हैं। इसे तो मैंने देखिए आप पौधे की तरह लगाया हुआ है, इसमें कई बहुत अच्छी लताएं आती हैं, तो आप इसे बेल की तरह भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के लिए हमें बहुत ही भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है, तो यह पौधा आपका फूलों से लग जाएगा। दोस्तों, मोगरे के पौधे को नमी बहुत पसंद है, तो हमें इस पौधे में पानी बहुत भर भर के देना चाहिए। जब तक इसकी मिट्टी पूरी पानी सोख न ले तब तक हमें पानी देना चाहिए। देखिए, मैंने इसमें बहुत ही अच्छी तरह पानी दिया है, इसकी मिट्टी देखिए सोख ली है। जब तक इसके होल में से पानी गिरने नहीं लगता है तब तक मैं इस गमले में मिट्टी देती हूँ और इसमें अच्छी तरह से पानी सोख लेता है। आप अपने पौधे पर ढेर सारे फूल चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें जिसकी वजह से मोगरे का पौधा अत्यधिक फूल दे और इसमें नए नए कलियां और इसकी लताएं बनने लगे। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर होता है सरसों खली का फर्टिलाइजर। तो दोस्तों, मैंने ये फर्टिलाइजर बना के रखा हुआ है सरसों खली का। मैंने इसमें 200 ml सरसों खली का फर्टिलाइजर लिया था। अब मैं इसमें 500 ml मैंने पानी मिलाया है, 500 ml पानी मिलाया है, जिससे इसे अच्छी तरह से डाइल्यूट करके हम अब अपने पौधे में डालते हैं। दोस्तों, इसको बहुत ही थोड़ी मात्रा में अपने पौधे में डालना है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो कि बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे मोगरे के पौधे में, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे फूल हैं। अभी देखिए मेरे पौधे में फूल बनना शुरू, ये 2-3 दिन में ही खिलने लगेंगे। इसके पौधे कितने अच्छे हैं आप देख सकते हैं, इसमें अब लताएं भी बनने लगेंगी। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं जिसकी खुशबू से आपका घर आंगन महकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।